सतनाम, वाहिगुरु, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। आज हम जन्म साखी में गुरु नानक देव जी की पहली उदासी के बारे में पढ़ेंगे। गुरु नानक देव जी ने ईश्वर का संदेश फैलाने के लिए 30 साल की उम्र में घर से निकल पड़े। उन्होंने 5 उदासियां की। उदासियों का मतलब यात्रा है। उन्होंने 28,000 किलोमीटर की यात्रा की। 1500 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक पहली उदासी में गुरुजी ने अलग अलग वर्गों से संपर्क किया। वह हिंदू पुजारियों, मुस्लिम विद्वानों, आम लोगों से मिलकर रूढ़िवादी, अंधे, कर्मकांड, अन्याय को चुनौती देने लगे और आध्यात्मिक जागृति पैदा करके करुणा, समानता, शांति, मानवता का संदेश लोगों को पढ़ाने लगे। उदासी पर जाने से पहले गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाने को बेबे नानकी के पास रबाब खरीदने के लिए पैसे देने के लिए भेजा, जो बेबे नानकी ने दे दिए। लेकिन जहां भी मर्दाना जाता, लोग मिरासी कह के उसकी बेइज्जती करते। तब गुरुजी ने उसे भाई फिरंदा जी के पास भेजा, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया रबाब गुरुजी के लिए दी और कहा कि ये सिर्फ गुरु नानक देव जी के आगे बजाई जाए। पैसे भी नहीं लिए। गुरु नानक देव जी बहन के कहने के अनुसार उनसे मिलकर आशीर्वाद लेकर अपनी परमात्मिक ज्ञान बांटने की पहली प्रचार यात्रा पर निकल पड़े। गुरुजी सुल्तानपुर लोधी से लंबा सफर तय करके सैदपुर पहुंचे। वहां पर उनको बाजार में एक बड़ई लकड़ी से तैयार की हुए चीजें बेचता दिखाई दिया। वह साधु संतों की सेवा करता था, जिसका नाम था भाई लालो। उसने गुरु नानक जी को अपने घर में ठहरने का निमंत्रण दिया, जिसे गुरु नानक देव जी ने स्वीकार कर लिया और भाई मर्दाने के साथ उनके घर में चले गए। वे अपनी बहुत मेहनत के साथ कमाई करता था। हिंदू वर्ण भेद के अनुसार वह शूद्र, नीच जाति का माना जाता था। उस समय ये भी माना जाता था कि एक ऊंची जाति का व्यक्ति एक ऐसे घर में नहीं रह सकता। लेकिन इस बात की गुरु नानक देव जी ने कोई परवाह नहीं की। वहां पर साधारण मोटे अनाज, बाजरे की रोटी, साग का भोजन किया। मर्दाने को इस रूखे सूखे पकवान में स्वादिष्ट व्यंजनों जैसा आनंद मिला। तब भाई मर्दाने ने गुरुजी से पूछा, ये भोजन देखने में नीरस लगता है लेकिन बहुत स्वाद है। तब नानक जी ने कहा, इस व्यक्ति के दिल में प्रेम है परमात्मा के लिए, बहुत मेहनत करके अपनी जीविका कमाता है, इसीलिए प्रभु कृपा की बरकत पड़ी हुई है। एक बार उसी नगर में तनवान जागीरदार मलिक फागो ने ब्रह्म भोज करवाया और गुरुजी को भी निमंत्रण दिया। लेकिन गुरुजी वहां नहीं गए, क्योंकि ब्रह्म भोज में जो अनाज लिया गया था वो किसानों के घर से जबरदस्ती इकट्ठा किया गया था। तब मलिक पागो ने गुरुजी को बुलाया और कहा, आप ब्रह्म भोज में क्यों नहीं आए, जबकि सभी साधु संत पेट भरकर खाना खाकर गए हैं। पूड़ी हलवे को छोड़कर एक शूद्र के सूखे टुकड़े खा रहे हो। तब नानक जी ने कहा, आप पूरी हलवा लेकर आओ। और उधर से लालो के घर से सूखा भोजन का टुकड़ा मंगा लिया। गुरु जी ने एक मुट्ठी में मलिक पागो का पूरी हलवा लेकर दूसरी मुट्ठी में लालो का सूखा टुकड़ा पकड़ कर निचोड़ा। हलवा पूड़ी से खून की धार निकली, सूखी रोटी के टुकड़े से दूध की धार निकली। लोग देखकर हैरान हो गए। तब गुरुजी ने कहा, भाइयो, ये है धर्म की कमाई दूध की धार, ये है पाप की कमाई खून की धार। मलिक पागो गुरुजी के चरणों में लिपट गया, पहले किए गए पापों का प्रायश्चित करके धर्म की कमाई करने लगा।
मलिक फागो को उपदेश देने के बाद गुरुजी वहीं ठहरे हुए थे कि फौजदार नवाब जालिम खान का लड़का बीमार हो गया। बहुत इलाज कराने के बाद भी जब ठीक नहीं हुआ, हकीमों ने कहा अब दवा दारू के जगह पर अल्लाह के कर्म पर सब कुछ निर्भर करता है, आप इबादत करें। इस पर अहलकार मलिक पागो ने सुझाव दिया, पीर फकीरों से अल्लाह की दरगाह से मन्नत मनवाई जाए, क्योंकि उनकी जुबान में तासीर होती है। सुनते ही जालिम खान ने हुक्म दिया, सभी पीर फकीर पकड़ कर लाए जाएं। और इन्हीं में गुरु नानक देव जी को भी गिरफ्तार करके लाया गया। सभी फकीरों को संबोधित होकर जालिम खान ने कहा, आप मेरे बेटे के लिए खुदा से दुआ मांगें, मेरा लड़का ठीक हो गया तो मैं आप सबको खुश कर दूंगा, नहीं तो समझूंगा आप पाखंडी हो। ये सुनते ही गुरुजी ने कहा, अल्लाह की दरगाह में जोर जबर की दुआ कबूल नहीं होती, वहां तो प्रेम भक्ति सच्चे दिल की पुकार मानी जाती है। इसलिए तुम्हारा बेटा ठीक नहीं हो सकता। फौजदार जालिम खान को बात समझ में आई, उसने फकीरों को रिहा कर दिया। अपनी पहली प्रचार यात्रा के दौरान आप लाहौर नगर पहुंचे, तो उन दिनों में श्राद्धों के दिन थे। लाहौर पहुंचकर अपने जवाहर मॉल के छोटे में कुएं के पास पिप्पल के नीचे डेरा डाल दिया। अमृत वेला था, आपने शोच स्नान करके प्रभु चरणों में समाधि लगा ली। लेकिन उसी समय लोग पशुओं का वध करने लगे, उनकी चीख चिल्लाहट से आपकी समाधि में बाधा उत्पन्न हुई। आपने थोड़ा दुख में महसूस किया, परंतु प्रभु की लीला जानकर कहा, असंख्य गलवड हत्या कमाई, असंख्य पापी पाप कर जाही। जब जी साहब अंग तीसरा, कई लोग हत्यारे हैं हत्या कमाते हैं, कई लोग पापी हैं पाप ही किए जा रहे हैं, इन सब का हिसाब होगा। जब आपने देखा मुल्ला कलमा पढ़कर ये दावा कर रहा है कि कुर्बानी का उनको पुण्य मिलेगा और जो पशु मर गए हैं उनको जन्नत नसीब होगी, तब गुरुजी ने इसका कड़ा विरोध किया कि अपने स्वार्थ के लिए जीवों की हत्या करना पाप है, तथा ये सब तब दुगना हो जाता है जब उसको उचित बताया जाता है। आपने कहा, ये कैसी मान्यता है, प्रभु के बनाए जीवों की हत्या को पुण्य मानकर आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। परमात्मा सब जीवों के पिता हैं, कोई पिता अपनी संतान की हत्या देखकर कैसे खुश हो सकता है। जब सूर्य उदय हुआ तो एक प्रसिद्ध व्यापारी दुनी चंद पूजा के लिए ठाकुर द्वारे आया। लौटते हुए उसने सोचा कि आप सन्यासी हैं, पितृ भोज के लिए आपको आमंत्रित कर लिया। आप उनके घर चले गए। पितृ भोज शुरू होने से पहले आपने उपदेश दिया, पितृलोक नाम की कोई जगह है ही नहीं, प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार यहीं पर दूसरा शरीर धारण करके फल भोगना पड़ता है। यदि व्यक्ति सत्य कर्म करता है तो हो सकता है वह प्रभु में लीन हो जाए, जैसे सागर में गंगा समा जाती है, नहीं तो वह बार बार मृत्यु लोक में जन्म मरण के चक्कर में बंधा रहता है। ये आवागमन का चक्र तब तक खत्म नहीं होता जब तक प्राणी स्वयं उस प्रभु की कृपा का पात्र नहीं बनता। इन कार्यों से मृत आत्मा को कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि पता नहीं वो किस योनि में घूम रहे हैं। ये भोज तो केवल ब्राह्मणों के लिए है, इसलिए माता पिता की सेवा उनके जीवन में करनी चाहिए। मृत्यु के पश्चात सेवा कोई सेवा ना होकर केवल जगत दिखावा है। यदि एक विश्वास के अनुसार मान भी लिया जाए कि कोई पितृलोक है, तो यहाँ से किया गया श्राद्ध भोज पूर्वजों को मिलेगा, ये कैसे संभव है। मान लो है भी,
तो लोगों ने किसी ने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे हैं, कोई वस्तु चोरी की भी है, पितृलोक में तो सब पहचान ली जाएगी क्योंकि वहां तो सत्य और न्याय का बोलबाला है। अतः ऐसे चोरी के माल को पहुंचाने वाले दलाल ब्राह्मण के हाथ काट दिए जाएंगे। जो मोहा का घर्म है कर्म ही पितर दे, अग्गे वस्तु सिजानी है पितर चोर करे, वड्याई हत दलाल के मुस्वी एह करे, नानक अग्गे सो मिले जी खट्टे काले दे। राग आशा अंग संख्या 472। ये विनोद भरी बातें सुनकर गुरुदेव के तर्कों के आगे सब शांत हो गए और अपनी भूल का प्रायश्चित करने लगे। अगले पड़ाव में मर्दाना जी को भूख प्यास सताने लगी। उन्होंने गुरुजी से निवेदन किया कि मुझे किसी पास के गांव से भोजन करने की आज्ञा दें। तब गुरुजी ने कहा कि हम अपने घर से अभी दूर नहीं हैं, इसलिए तुम किसी पड़ोस के गांव में जाकर कह देना मैं नानक का शिष्य हूँ और हम हरिद्वार जा रहे हैं, भोजन दे दो। मर्दाना जी गुरुजी की आज्ञा मानकर गांव में पहुंचे, लोगों से अनुरोध किया भोजन करा दो। जब पता चला गुरुजी का शिष्य है तो सब ने उसकी बहुत आव भगत की, बहुमूल्य वस्तुएं उपहार भेंट की। ये सब वस्तुएं वस्त्र लेकर वह गुरुजी के पास आ गया। कहने लगा, आपने आदेश दिया था, जब मैं गांव में पहुंचा आपका नाम सुनकर लोग बहुत खुश हुए और ये सब वस्तुएं आपके लिए भेजी हैं। इस पर गुरुदेव मर्दाना की छोटी बुद्धि पर हंस दिए। कहने लगे, मर्दाना जी आप ही बताएं हम इन वस्तुओं का क्या करेंगे। अगर हमें वस्तुओं का मोह होता तो मोदी खाने के कार्य को त्याग करते क्या, वहां हमें किसी चीज की कमी थी क्या। मर्दाना जी कहने लगे, आप ठीक कहते हैं, मेरी बुद्धि छोटी है लेकिन मैं इन वस्तुओं का क्या करूं। नानक जी कहते हैं त्याग दो। मर्दाना कहते हैं, वह तो ठीक है लेकिन मुझ में इतना साहस नहीं है कि प्यार से लोगों ने भेंट की है मैं उनको फेंक दूं। तब नानक जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, अपने को तो मंजिल की तरफ बढ़ना है। मर्दाना जी कहते हैं, ठीक है, मैं इनके बोझे को उठाए के चलता रहूंगा लेकिन थक गए। तब गुरु जी ने कहा, भाई मर्दाना अभी भी समय है, मोह का त्याग कर दो, इसे फेंक कर आगे चलो। परंतु मर्दाना जी बुझे मन से कुछ चीजें जरूरतमंदों को दे देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पीछे छूट गए और थक गए, जिसे देखकर गुरुजी ने मर्दाना जी को फिर कहा, बोझ त्यागो, ये माया जाल है, जब तक इसे नहीं त्यागोगे कठिनाइयों का वजन तुम्हारे सिर पर पड़ा रहेगा, तुम व्यर्थ में परेशान होते रहोगे, त्याग में ही सुख है। लेकिन गुरुदेव जी ने समझाते हुए कहते हैं, भाई मर्दाना वास्तव में ये संसार इस माया का बोझा ही सिर पर बिना कारण उठाए घूम रहा है, जिसे वह कदम कदम पर थकान के कारण परेशान होता है, इसलिए मोह के जाल को तोड़कर इसे त्याग में ही सुख मिलता है। मर्दाना जी कहते हैं, आप ठीक कहते हैं, परंतु मैं छोटी बुद्धि का आदमी, किंतु आप बताने की कृपा करें, बिना माया के निर्वाह कैसे होगा। तब नानक जी कहते हैं, आपने बात को ठीक समझा, मेरे कहने का मतलब ये है, व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार ही माया का उपयोग करे, माया को जोड़ के करना उसका गुलाम बनना है, जैसे कि आपने बिना जरूरत के वस्तुएं सिर पर उठा ली हैं, जबकि आपने नए वस्त्र पहन लिए थे, फिर और चीज की क्या जरूरत थी। मर्दाना जी कहते हैं, मैं अब जीवन के रहस्य को आपकी कृपा से समझ रहा हूँ, अतः आप इसी प्रकार समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि मैं निम्न स्तर के संस्कारों से बंधा हुआ हूँ, आप बताएं वास्तव में माया क्या है। नानक जी कहते हैं, भाई
वह सभी संसारिक वस्तुएं माया हैं, जिनको पाने के लिए मन में लालसा होती है। इस माया को बहुत विस्तृत स्वरूप है, पत्नी, बच्चे, मकान, भूमि, बहुमूल्य चीजें, ये सब उसी का रूप है। मतलब ये है कि यह सभी माया है जिसे प्राप्त करने की हम इच्छा करते हैं। यदि हम इसका उपयोग जरूरत के मुताबिक संतोषी होकर करें तो मनुष्य की दासी बनकर उसकी सेवा करती हैं। किंतु हम तो बिना जरूरत के केवल लोभ लालच में अंधे होकर इसको इकट्ठा करने के लिए भागते हैं, जिससे हम दुखी होते हैं तथा हमारा जीवन कष्टमय हो जाता है, क्योंकि तृष्णा की कोई सीमा नहीं है। ये तृष्णा ठीक उसी प्रकार काम करती है जिस प्रकार आग ईंधन को जलाती चली जाती है। जितना हम आग में ईंधन डालेंगे उतनी बढ़ती जाती है। ठीक इसी प्रकार तृष्णा शांत नहीं होती, बढ़ जाती है। भले ही आप समस्त मानव समाज की अमूल्य सामग्री इकट्ठे करते रहें, इसलिए इसको उतना प्रयोग करो, संतोष रखो। सत नाम, वाहेगुरु, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।